नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 अप्रैल दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 8 क्षेत्रीय भाषाओं की अब होगी एक अकादमी। बिहार सरकार के द्वारा सीओ राजस्व कर्मियों को लेकर एडीएम को दिया गया टास्क। रेलवे ने यात्रियों के लिए किया ये नया इंतजाम। बिहार के आयुष अस्पतालों में मिलेंगी 283 प्रकार की मुफ्त दवाएं। मुंबई के सामने केकेआर जबकि राजस्थान के सामने होंगे गुजरात टाइटंस। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IRDAI ने 45 पदों के लिए निकाली भर्ती। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर के 45 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भर्ती के लिए आधिकारिक साइट ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। उम्मीदवार IBPS पोर्टल ibps.in पर जाएं। होम पेज पर IRDAI भर्ती 2023 पर क्लिक करें और आवेदन कर लें। बिहार में 8 क्षेत्रीय भाषाओं की अब होगी एक अकादमी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद अब बिहार में 8 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक अकादमी का पुनर्गठन किया जा रहा है। बता दें कि 8 क्षेत्रीय भाषाओं में बिहार की मैथिली, भोजपुरी, मगही, संस्कृत, अंगिका, बंगला, सहित सिरजापुरी और वज्जिका को भी जोड़ दिया गया है। बता दें कि उन सभी की कमान एक ही निदेशक के पास होगी। हालांकि क्षेत्रीय भाषाओं की विंग स्कूल ऑफ लैंग्वेज के रूप में अलग अलग होगी। वहीं पुनर्गठन किए जाने के बाद नवगठित अकादमी का नाम बिहार क्षेत्रीय भाषा अकादमी रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकादमियों का पुनर्गठन अभी अंतिम दौर में है। फिलहाल शिक्षा विभाग भाषाओं की बेहतरी के लिए अकादमियों का नए सिरे से एकीकृत प्रबंधन करने जा रहा है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आचार्य शिव पूजन सहाय के बारे में। आचार्य शिव पूजन सहाय एक प्रसिद्ध हिंदी और भोजपुरी उपन्यासकार, संपादक और गद्य लेखक थे। इन्होंने आधुनिक प्रवृत्तियों के साथ साथ कथा साहित्य में अग्रणी योगदान दिया। उनके ग्रंथ माता का आंचल भी CBSE की किताब में छपा है। माता का आंचल पाठ में उन्होंने माँ के साथ एक अद्भुत बंधन दिखाया है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। शिव पूजन सहाय ने 1934 में लहरिया सराय दरभंगा जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन किया। स्वतंत्रता के बाद शिव पूजन सहाय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। मुख्यमंत्री ने जातीय गणना पर दिया अपना बयान। बीते दिन से बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जो कि कुल एक महीने यानी कि 15 मई तक चलने वाली है। बता दें कि इस दौरान लोगों से कुल 17 सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। वहीं बीते दिन जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होने पर बिहार के मुख्यमंत्री ने बताया कि वह जहां जन्मे थे वहीं से गणना करने आए हैं। उन्होंने बताया कि वह जातीय गणना इसलिए करा रहे हैं ताकि कोई पीछे न छूट जाए। अपर कास्ट को भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। दूसरे राज्यों के लोगों को भी यही इच्छा है कि उनके राज्यों में भी जातीय गणना हो, क्योंकि यह बहुत ही उपयुक्त चीज है। सीएम नीतीश ने कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। जातीय गणना से किसी को कोई भ्रम ना हो, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर यह काम करवाया जा रहा है। आज से नालंदा में खुलेंगे कोचिंग और ट्यूशन। रामनवमी जुलूस के दौरान बिहार के नालंदा में हुए दो समुदायों के बीच हिंसा का मामला अब धीरे धीरे शांत होता नजर आ रहा है। ऐसे में हिंसा के इतने दिनों बाद अब लोगों को कुछ चीजों में छूट दी जा रही है। दरअसल आज से शहर के सभी कोचिंग संस्थानों और ट्यूशन सेंटर को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। बता दें कि निर्धारित किए गए समय के अनुसार 4 बजे तक ही कोचिंग या ट्यूशन को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन अभी भी लोगों को जमावड़ा होने पर पाबंदी लगाया गया है और साथ ही धारा 144 भी लागू है। मालूम हो इस बात की जानकारी SDM अभिषेक कुमार के द्वारा ट्वीट करके दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, बिहार शरीफ ने प्रभावी धारा 144 में छूट देते हुए शहर के सभी कोचिंग संस्थान और ट्यूशन सेंटर को दिनांक 16 अप्रैल रविवार से अपराह्न 4 बजे तक खोलने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की गई है। बिहार सरकार के द्वारा सीओ राजस्व कर्मियों को लेकर एडीएम को दिया गया टास्क।
बिहार के अंचल कार्यालयों में सीओ और अंचलाधिकारियों की माफियाओं के साथ साठगांठ में जमीन के फर्जीवाड़े का पूरा खेल संचालित होते हुए देख बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा सभी राजस्व कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए सभी राजस्व कर्मचारियों को कहा है कि वे अपने कार्यालय को संचालित करें और अपने हल्का ऑफिस को हल्का में अवस्थित सरकारी भवन, पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन या फिर अन्य कोई सरकारी भवन में चलाया जाए। अगर इसके अलावा किसी भवन में हल्का ऑफिस चल रहा है तो उसे अवैध माना जाएगा और संबंधित अपर समाहर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के कार्यालयों के बाहर बोर्ड लगवाए जाए ताकि आम लोग देख सके और उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। पंचायत प्रतिनिधियों के 3,504 खाली पदों के लिए होगा उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत उपचुनाव को लेकर आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिले में पंचायत उपचुनाव से संबंधित तैयारी पूरी करने और 25 अप्रैल तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करने का निर्देश दे दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में पंचायत उपचुनाव को 31 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि अब तक चुनाव की तिथि जारी नहीं की गई है। मालूम हो कि यह उपचुनाव राज्य में कुल 3,504 पदों पर पंचायत प्रतिनिधियों को चुनने के लिए हो रहा है, जिनमें जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के पद शामिल हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार को दी चेतावनी। अध्यापक नियमावली 2023 को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा बिहार सरकार को चेतावनी दी गई है। उन्होंने बिहार सरकार से कहा है कि इस नियमावली पर एक बार फिर से विचार किया जाए और साथ ही शिक्षकों एवं पुस्तकालयों को राज्य कर्मी भी घोषित की जाए। बता दें कि इस बात की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी गई है, जो कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता गजेंद्र कांत शर्मा के द्वारा की गई है, जिसमें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद के द्वारा सरकार से कहा गया है कि जिस तरह 2 अक्टूबर 1980 को निजी प्रबंध समितियों द्वारा नियुक्त शिक्षकों की सेवा को राजकीयकरण किया गया और साथ ही मात्र 11 महीने के लिए नियुक्त शिक्षा मित्र को 2006 में पंचायत शिक्षक घोषित करने का राज्य सरकार ने सराहनीय प्रावधान किया था, उसी तरह 17 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयों को राज्यकर्मी घोषित करने का न्याय किया जाए। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बक्सर का किला के बारे में। बक्सर में स्थित एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में बक्सर का राजा भोजदेव किला काफी प्रसिद्ध है। यह बिहार के साथ साथ पूरे भारत में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माना जाता है। बक्सर आने वाले सभी पर्यटक यहां घूमने के लिए जरूर आते हैं। वर्तमान में इस किले की अवस्था खंडन अवस्था के रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि यह किला काफी पुराना है और जर्जर हो चुका है, इसलिए यहां के किले के अवशेष का ही देखने लायक है। यहां का वातावरण शांत होने की वजह से यहां आने वाले पर्यटकों को काफी अच्छा महसूस होता है। राजभोज किला बक्सर जिले के डुमराव प्रखंड के नया भोजपुर गांव में स्थित है। किले की स्थापना राजा रुद्रदेव ने 1054 में की थी। मोतिहारी शराब कांड पर सीएम नीतीश ने जताया दुख। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से हुई करीब 10 से अधिक लोगों की मौत को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस पर दुख जताया गया है। बता दें कि इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यह घटना बेहद ही दुख पहुंचाने वाली है और मैंने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोतिहारी में जहरीली शराब से पहली मौत शुक्रवार की शाम को हुई और उसके बाद यह सिलसिला जारी है। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से यह पुष्टि नहीं की गई है कि जहरीली शराब पीने से अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के अब तक 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि फिलहाल उत्पाद अधीक्षक अमितेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले की जांच चल रही है और साथ ही शराब की सूचना मिलने पर उस स्थान पर छापेमारी भी की जा रही है। शीघ्र ही नतीजे सामने आएंगे। रेलवे ने यात्रियों के लिए किया ये नया इंतजाम। रेल से यात्रा करने वालों को ध्यान में रखते हुए रेलवे के द्वारा यात्रियों के लिए एक नया इंतजाम किया गया है। दरअसल अब लोगों को कंफर्म टिकट लेने में ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे के द्वारा एक ऐसा इंतजाम किया जा रहा है जिसकी मदद से आपको कंफर्म सीट होने की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। बता दें कि रेलवे के द्वारा यह सुविधा यात्रियों की भीड़ को मैनेज करने के साथ साथ उन्हें आरामदायक सफर देने के लिए शुरू किया गया है। मालूम हो कि रेलवे के द्वारा यात्रियों के लिए जो नया इंतजाम किया गया है उसके अंतर्गत आपको कंफर्म सीट की जानकारी रिजर्वेशन चार्ट के तैयार होने से पहले ही मोबाइल पर मैसेज देकर अलर्ट कर दिया जाएगा। हालांकि इस बात की जानकारी आपको रिजर्वेशन चार्ट के निकल जाने के बाद ही मिलेगी कि आपका सीट कौन सा है और आपकी बोगी कौन सी है। सरकारी निजी विश्वविद्यालयों के एकेडमिक कैलेंडर की करेगी निगरानी।
शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी निजी विश्वविद्यालयों के एकेडमिक कैलेंडर की निगरानी करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जा रही है। बता दें कि इस पर बहुत जल्द ही उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा। इस बारे में उन्हें निर्देश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को अपना अपना एकेडमिक कैलेंडर सरकार के साथ साझा करना होगा ताकि विभाग के द्वारा उस पर निगरानी रखी जा सके। बता दें कि ऐसा होने पर एकेडमिक कैलेंडर में किसी स्तर पर विचलन नहीं होगी और न ही उसका प्रयास किया जाएगा और साथ ही शैक्षणिक सत्र के विलंबित होने की भी आशंका कम हो जाएगी। वहीं एक बार एकेडमिक कैलेंडर तैयार करने के बाद विश्वविद्यालयों को हर हाल में उसका ससमय अनुपालन करना होगा क्योंकि विभाग द्वारा किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। बिहार के आयुष अस्पतालों में मिलेंगी 283 प्रकार के मुफ्त दवाएं। राज्य के वैसे मरीज जो राज्य के आयुष अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं उन मरीजों को अब आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करवाने पर मुफ्त में 130 प्रकार की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं यूनानी पद्धति से इलाज करवाने वाले मरीजों को 153 प्रकार की मुफ्त दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए राज्य आयुष समिति के द्वारा आवश्यक दवाओं की सूची को तैयार कर लिया गया है और साथ ही दवा आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियों के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आयुष की दवाओं की कम से कम 50% की खरीदारी भारत सरकार की संस्था इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य आयुष समिति की ओर से पूरे 20 करोड़ की दवाएं खरीदने जा रही है। अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार होगा कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का पेपर। कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। दरअसल अब कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के पेपर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार किए जाएंगे। बता दें कि यह निर्णय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में CAPF में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए लिया गया है। मालूम हो कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जिन 13 नए क्षेत्रीय भाषाओं में पेपर तैयार किए जाएंगे उनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुर और कोंकणी को शामिल किया गया है। बता दें कि यह नया नियम 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्रों से हुए भेदभाव की शिकायत सुनने के लिए बनेगी समिति। राज्य के वैश्य विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान जो स्टूडेंट्स के साथ जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, लिंग या अक्षमताओं के आधार पर भेदभाव करते हैं उनके लिए बुरी खबर है। दरअसल अब ऐसा करने वाले विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों का ग्रांट भी रुक सकता है। UGC के द्वारा छात्रों के शिकायतों के लिए शिकायत निवारण विनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है जो विनियम 2019 की जगह काम करेगा। UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस विनियम के तहत दाखिला फीस, सर्टिफिकेट वापस न करना, उत्पीड़न, परीक्षा, छात्रवृत्ति, दाखिले के लिए अलग से पैसे की मांग करना, आरक्षण नियमों का पालन करना जैसे शिकायतों पर 15 कार्य दिवस के तहत समिति की रिपोर्ट और 30 दिनों में निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समिति में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल 2 सालों का होगा जबकि विशेष आमंत्रित सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होगा। इस दिन से अमरनाथ यात्रा के लिए कर सकेंगे आवेदन। अगर आप भी अमरनाथ की तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 मई से होने वाली है। वहीं इसके लिए लोगों के द्वारा आवेदन करने का समय 17 अप्रैल से निर्धारित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 17 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा पर जाने के इच्छुक लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मालूम हो कि यह यात्रा 62 दिनों तक चलने वाली है यानी कि 1 मई से शुरू होकर यह यात्रा 31 अगस्त 2023 तक चलेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा कहा गया है कि प्रशासन सुचारू और परेशानी मुक्त तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन जिलों में लू का अलर्ट जारी। बिहार में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के द्वारा अगले 1 हफ्ते तक राज्य में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। आज यानी कि 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार की राजधानी पटना समेत 13 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है जिनमें पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, बांका और भागलपुर जिला शामिल है। इसके बाद 2 दिन पूरे बिहार में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। इस दौरान कुछ जगहों पर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अप्रैल से पूरे बिहार में भीषण गर्मी का दौर चलेगा। वहीं आगामी मंगलवार से गुरुवार तक पूरे राज्य में लू का अलर्ट जारी है। सभी जिलों में हीट वेव बनने की आशंका है। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर लगाया आरोप।
सीबीआई के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज यानी कि 16 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अरविंद केजरीवाल का साथ देने को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा उन पर तंज कसा गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार देश के भ्रष्टाचारियों को एकजुट करने चले हैं और अब वे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने शराब की होम डिलीवरी करवाने का निर्णय लिया था। सुशील मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्वार्थ के लिए शराब की दरिया बहाने वाले से मिल रहे हैं। इसके साथ उन्होंने मोतिहारी में शराब से मरने वाले लोगों को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार ने जहरीली शराब से मौत होने के बाद पहले मुआवजा दिया था, ऐसे ही इस घटना में भी सरकार मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाकर शराबबंदी पर निर्णय लेना चाहिए। शराबबंदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष पर जेडीयू का पलटवार। बिहार में शराबबंदी है, ऐसे में आए दिन इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती रहती है। वहीं अब एक बार फिर से इससे जुड़ी चर्चा तेज हो गई है। दरअसल जहरीली शराब पीने से मधुबनी जिले के लोगों की मौत होने से यह चर्चा शुरू हुई है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा इस मामले को लेकर सरकार के पदाधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि वही अब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा विजय सिन्हा पर पलटवार करते हुए कहा गया कि बिहार में शराबबंदी सर्वदलीय सहमति और संकल्प के बाद लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक जागरूकता में लगी हुई है, शासन के द्वारा इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, वह अपना काम कर रहे हैं। मालूम हो कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा इस मामले को लेकर सीएम नीतीश को कोसा गया था और कहा गया था कि सीएम नीतीश के नियत में खोट है। शिक्षक नियोजन नीति पर प्रशांत किशोर का बयान। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपने जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षक नियोजन नीति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नियम पर सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा कहा गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी परीक्षा लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 4 लाख शिक्षक है, लेकिन पिछले 15 साल से बीपीएससी की क्षमता लगभग 12,000 है, तो आयोग 4 लाख शिक्षकों की परीक्षा कैसे लेगी? बीपीएससी के पास परीक्षा लेने के लिए संसाधन की कमी है। उन्होंने पूछा कि इतने शिक्षकों का पेपर कौन जांच करेगा? इससे समझा जा सकता है कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। केजरीवाल को सीबीआई नोटिस मिलने पर नीतीश लल्लन ने दी प्रतिक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सीबीआई के सामने पेश होने वाले हैं। इसके लिए उन्हें सीबीआई के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। वहीं अब उस मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी इज्जत है, वह बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते हैं यह तो आप सब लोग जानते भी हैं, बाकी क्या होता है उस पर हम क्या बोले। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल तो अपने समय पर जवाब देंगे, यह तो अलग बात है। वहीं दूसरी ओर लल्लन सिंह के द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार द्वारा विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के विरुद्ध अपने पालतू तोतों का दुरुपयोग बदस्तूर कर रही है। अभी 11-12 अप्रैल को विपक्षी एकता के लिए सकारात्मक पहल होते ही तिलमिलाई भाजपाई सरकार के दिलो दिमाग में बदले की भावना भड़क उठी है। इसी कारण अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस मिल गया। मुंबई के सामने केकेआर जबकि राजस्थान के सामने होंगे गुजरात टाइटंस। आज भी आईपीएल का डबल हेडर मुकाबला है। शाम 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के सामने होगी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जबकि शाम 7:30 बजे दूसरे मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होगी। मुंबई और कोलकाता के बीच अब तक 31 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 22 बार मुंबई की टीम जीती है, जबकि 9 मैचों में कोलकाता को जीत मिली है। लेकिन केकेआर की टीम इस वक्त जिस फॉर्म में है, मुंबई के लिए आसान नहीं रहने वाला है। मुंबई अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, जबकि कोलकाता को अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई के खिलाफ जीत कर वो एक बार फिर जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। वहीं राजस्थान बनाम गुजरात मुकाबले की बात करें तो एक कांटे की टक्कर की उम्मीद है। दोनों ही टीम जबरदस्त फॉर्म में है। राजस्थान धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई को हराकर आ रही है, जबकि गुजरात की टीम पंजाब के खिलाफ जीत दर्ज करके आ रही है। खिताब के प्रबल दावेदार जब टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे तो रोमांच चरम पर होगा। हेड टू हेड आंकड़ों के देखें तो गुजरात का पलड़ा बेहद भारी है। अभी तक दोनों टीम 3 बार आमने सामने हुई है, जिसमें हर बार गुजरात ने जीत दर्ज की है। इसलिए राजस्थान गुजरात के खिलाफ अपनी जीत तलाश रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी जी ने 1919 में आज ही के दिन उपवास की घोषणा की। भारत ने 2004 में रावलपिंडी टेस्ट जीतकर सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से मात दी। लंदन में 2008 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। एक भारतीय राजनीतिज्ञ राम नाइक का 1934 में जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री लारा दत्ता का 1978 में जन्म हुआ।
1966 में भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का निधन हुआ। 2011 में महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर भवानी सिंह का निधन हुआ। 1961 में प्रसिद्ध सिख नेता और क्रांतिकारी रणधीर सिंह का निधन हुआ। आज के दिन को ही भारतीय रेल परिवहन दिवस और NCC स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालखंड में आज हम बात करेंगे सिलाई मशीन योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सिलाई मशीन योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि देश की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 के तहत महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही, यह ठगी का एक प्रयास है, कृपया सावधान रहे। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेज को लेकर होगा बदलाव। WA Beta Info की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मीडिया में जल्द ही बदलाव कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के जरिए एक नया अपडेट रोल आउट किया है। यह अपडेट कुछ बीटा परीक्षकों को फॉरवर्डेड छवियों, वीडियो, GIFs और डॉक्यूमेंट में विवरण जोड़ने की अनुमति दे रहा है। इस नए अपडेट को इंस्टॉल करने वाले कुछ बीटा परीक्षकों ने स्टेटस अपडेट देखने और वीडियो डाउनलोड करने में समस्याओं का सामना करने की सूचना दी है। हालांकि व्हाट्सएप के अगले अपडेट के साथ इस समस्या का समाधान करने की उम्मीद है। यह फीचर ज्यादा यूजर्स के लिए आएगा तो वे एक अलग मैसेज के तौर पर नया डिस्क्रिप्शन भेज सकेंगे। इससे रिसीवर को यह जानने में मदद मिलेगी कि यह मूल संदेश से संबंधित नहीं है। यह फीचर तब जरूरी हो सकता है अगर कैप्शन इमेज का सही वर्णन नहीं करता है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुस्कान कुमारी, बिट्टू कुमार राज, रमन ठाकुर, रंजीत मिश्रा, योगेंद्र रजक, अभिषेक राज, अभिशंकर देव, देवानंद देव, मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया, विकास दास, धीरज कुमार महतो, कन्हैया कुमार, रामनवी मांझी, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपके इलाके में कॉलेज या यूनिवर्सिटी है तो उसकी क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।